नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान और हमारे साथ हमारी सहयोगी जोया मौजूद हैं। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में जहां एक तरफ लालू परिवार पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव को भी CBI कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जोया, आज जैसे कि सुबह हमने चर्चा की थी कि इस बात पर नज़र टिकी हुई थी, तेजस्वी यादव ने CBI कोर्ट के जो समन CBI कोर्ट की तरफ से भेजा जा रहा था उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि जो बार बार CBI कोर्ट जो है वो समन तेजस्वी यादव को भेज रही है उस पर रोक लगाया जाए। बता दें कि उस याचिका को अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका का निस्तारण कर दिया, यानी कि तेजस्वी यादव को जो समन बार बार CBI कोर्ट की तरफ से भेजा जा रहा था, तेजस्वी यादव को अब हर हाल में पेश होना ही होगा। जिस तरीके से ये चर्चा लगातार चल रही थी, जिस तरीके से लालू परिवार पर पिछले कुछ दिनों से लगातार CBI ED की जो रेड पड़ रही थी, तेजस्वी यादव का भी नाम इस मामले में। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से ये तर्क दिया, उन्होंने कहा है कि जब ये मामला तेजस्वी यादव पर चला था तब तेजस्वी यादव नाबालिग थे, उनका ये कहना है कि उन्हें इस मामले में शामिल नहीं किया जाए। हालांकि अब 25 तारीख यानी कि 25 मार्च का जो तारीख है वो डिसाइड की गई है। तेजस्वी यादव को अब जोया हर हाल में CBI कोर्ट के सामने पेश होना ही होगा और उनके वकील ने विस्तार से तमाम जानकारी दी है। हम चाहेंगे हमारी सहयोगी जोया आपको बताए कि तेजस्वी यादव के वकील ने क्या कुछ कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ जो है वो इस मामले पर कहा गया है। जोया देखिए सना, हालांकि CBI की तरफ से तेजस्वी यादव को लगातार 3 बार समन भेजा गया है लेकिन तेजस्वी यादव एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव के वकील का ये कहना है कि बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है, इस वजह से तेजस्वी यादव जो है वो पेश नहीं हो सकते हैं। हालांकि CBI का ये कहना है कि तेजस्वी यादव सैटरडे संडे को पेश हो सकते हैं क्योंकि उस दिन बिहार विधानसभा सत्र नहीं चलता है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, अब तेजस्वी यादव को CBI के सामने पेश नहीं पड़ेगा। बता दें आपको कि 25 मार्च का डेट जो है वो तय किया गया है सना, और अब जो है तेजस्वी यादव को हर हाल में वहां पेश होना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक और जानकारी जोया अभी अभी आ रही है, हम आपको बता दें कि CBI कोर्ट की तरफ से हालांकि ये कहा गया है कि इस मामले में तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी। एक बड़ी राहत आप कह सकती है कि तेजस्वी यादव को दी जा रही है CBI कोर्ट की तरफ से, जिस चीज़ के लिए तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि जो बार बार समन भेजा जा रहा है उनके पास समय नहीं है क्योंकि इस वक्त बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री है, इस लिहाज से उन्हें सदन में मौजूद रहना है, जिस वजह से वो CBI कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं। और 25 तारीख 25 मार्च तक CBI की तरफ से जो कोर्ट की तरफ से जो समय है वो दिया गया है। वहीं एक CBI कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत तेजस्वी यादव को ये दी गई है जोया कि वो उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी लेकिन पूछताछ के लिए उन्हें जाना ही जाना पड़ेगा। देखिए लगातार 3 बार समन भेजने के बावजूद तेजस्वी यादव अभी तक CBI के सामने हाजिर नहीं हुए हैं, लेकिन अब ये बात CBI ने भी साफ कर दी है कि तेजस्वी कितनी भी याचिकाएं डाल ले तेजस्वी को CBI के सामने हाजिर होना ही पड़ेगा। अब आने वाली 25 तारीख को CBI क्या कुछ फैसला लेती है तेजस्वी के मामले पर, ये देखने वाली बात होगी। हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।